खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला रसद अधिकारी राकेश न्यौल ने आमजन से अपील की है कि वे बाजार में भी बी ग्रेड पेट्रोलियम पदार्थों को डीजल और पेट्रोल बताकर बेचने वालों से बचें और सावधान रहें। वहीं अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ही भरवाएं। साथ ही डीएसओ ने बताया कि जिले में बायो डीजल के नाम पर एमटीओ बेस ऑयल और अन्य पेट्रोलियम सॉल्वेंट पदार्थों की बिक्री की शिकायतें कुछ जागरूक नागरिकों से प्राप्त हुई हैं। वहीं इस संबंध में रसद विभाग द्वारा गत दिनों कार्रवाई करते हुए उक्त पेट्रोलियम पदार्थों की जब्ती कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ये आदेश जारी किए कि हम जैसे अवैध डीजल या डीजल के रूप में कोई भी ऐसा पेट्रोलियम पदार्थ बेचा जाता है जिसके खिलाफ हम शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं, तो कुछ कार्रवाइयां करने के दौरान या लोगों के आपस में बातचीत या किसी तरीके से सूचना मीडिया के माध्यम से हमें ये बात पता चली है कि कुछ बी ग्रेड क्लास के पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो व्हीकल में डालने ईंधन के रूप में काम नहीं आते, अन्य कामों में आते हैं। जैसे पेंट करने में काम आते हैं, मशीनें धोने के काम आते हैं, भट्टियों में काम आते हैं। ऐसे पदार्थ कुछ लोग अवैध रूप से लोगों को गुमराह करके डीजल या पेट्रोल बता के बेचते हैं और फिर वो सीधे साधे लोग उपभोक्ता लोग हैं वो अपने व्हीकल में उसको डालते हैं, उससे व्हीकल खराब होता है। इस तरीके की शिकायतें प्राप्त होती है, इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से प्रेस नोट दे रहे हैं कि लोग इन चीज़ों से बचें, सावधान रहें और किसी ऐसे ऐरे गहरे व्यक्ति से जो अधिकृत नहीं हो उससे किसी तरीके पेट्रोलियम पदार्थ नहीं खरीदते हैं। इससे कोई व्हीकल खराब होता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी, बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा, हजारों लाखों का नुकसान किसी महंगे व्हीकल में डालेंगे। ये सीधी सी बात है कि जो चीज़ के लिए बनी है उसी वही चीज़ उसमें डालने से ही वो चीज़ सही चलेगी। इसके लिए हमने ये प्रेस नोट दिया है कि इस तरीके लोगों से अवेयर रहें और अधिकृत पेट्रोल पंप है उनसे ही पेट्रोल जांच करके अच्छे से परख के फिर खरीदें। इस तरह की किसी को शिकायत करनी है तो कैसे करें? इसके लिए सेल्स ऑफिसर भी हैं पेट्रोलियम कंपनियों के, इसके अलावा हम तो हैं, ये एसडीएम को भी शिकायत कर सकते हैं, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी भी इसमें अधिकृत हैं, पुलिस विभाग के भी तहसीलदार, एसडीएम, जिला रसद अधिकारी, सेल्स ऑफिसर, ऑयल कंपनियों के।